तो ऑस्ट्रेलिया ने विन कर लिया है वर्ल्ड कप। इंडिया ने जितनी भी बेईमानी की थी, जितना भी उन्होंने हर टीम के साथ उनकी बेईमानी चली, हर टीम के साथ हर जगह पे उन्होंने, ढकलो को पता नहीं क्या हुआ, वह रो रही है ढकलो, चुप ही नहीं कर दी। हाँ ढकलो, ढकलो क्या हुआ ढकलो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं कहता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी काम कर से करके आए हैं, ये देखें झरी लगाता रहूँ तो कपड़े हर चीज़ मिट्टी मिट्टी हुई हुई है, तो अभी नहाने लगा। मेरी बेटी जो अभी अभी सोई है मेरे ख्याल में उठी है, इसलिए लाडियाँ कर रही है लाडियाँ। और एक इधर है टकली, टकली को सुकून नहीं है, टकली को, टकली वो टकला, टकले ने तो आने ही उठा के ऊपर मत्थे पे आनी उठा के रख ली टकलो ने तो। हाँ टकलू, टकलू बड़ी बड़ी आँखें निकालती, बड़ी बड़ी। फिलहाल अभी मैं नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, तो मिलते हैं उसके बाद, देखते हैं घर में क्या बना हुआ। मेरा ख्याल में कलेजी कोटे ही बने। हाँ जी जी, तो वेलकम बैक। अभी नहा के कपड़े चेंज कर लिए और ये फिर आ गई लड़की तंग करने के लिए। ये अपने अंदर बैठी हुई थी कमरे में और वहाँ से अपनी मम्मा को तंग करके इधर आके बस अब खड़ी हो गई है, बस तंग करने के लिए। कर दे कुछ भी नहीं, बस चिपक के साथ में खड़ी हो जाएगी बस। त्रिनू की चक्कर है? हाँ कोई चक्कर नहीं, बस तंग करना, तंग मामू को तंग करना है, मामू को तंग करना, मामू को तंग करना है, बस यही काम है इसके, यही करती रहती है बस। अब्दुल हादी आराम से बैठे हुए, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या मसला बना हुआ। ट्रिपे भी लगवा लिए, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अभी तक तो वैसे का वैसा ही है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। डेंगू का भी टेस्ट करवाया था, वो तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या करते हैं, कहते हैं ड्रिप लगानी है, लेकिन कल ड्रिप लगाने के पैसे ही नहीं थे, पैसे की जैसे पकड़ते हैं अगर मिलते हैं तो इंशाल्लाह ड्रिप जाके लगवाते हैं। हमने आज दोपहर का सालन बनाया हुआ था, तो अभी खाना खाना तो गरम कर रही है बेटी, कलेजी हैं और कोफ्ते। चलो इधर आलू गाजरा मटर कट्ठा ही तीन तीन। ये सारे दिल ही दिल पड़े हुए हैं ना, इनमें कोई पोटा है, कलेजी पड़ी हुई है बस, क्योंकि पोटा था ही नहीं, बस कलेजी और दिल थे, एक दो पोटे थे बस, तो कुछ हम खा रही है। हाँ जी व्यूअर, तो वेलकम बैक। अभी जी मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ने विन कर लिया है वर्ल्ड कप। इंडिया ने जितनी भी बेईमानी की थी, जितना भी उन्होंने हर टीम के साथ उनकी बेईमानी चली, हर टीम के साथ हर जगह पे उन्होंने बेईमानी की है, लेकिन आप देख लें एंड पर नतीजा क्या हुआ है। जितनी भी उन्होंने बेईमानी की या जो भी किया, उतना ही उन्होंने एंड पे जा कर ये हुआ कि वर्ल्ड कप जो है वो कोई और ले गया, और जो इंडिया है वो देखता ही रह गया। असल में जब वो जीते हैं ना ऑस्ट्रेलिया, तो इनके मुंह देखने वाले थे कि कैसे है। पहले बहुत उछल उछल के पड़ रहे थे, जब तीन विकेटें गिरी थी उनकी बहुत नाच कूद रहे थे, तो जब जैसे ही फिर वो रुके हैं आराम से, और उन्होंने ऐसा मार दिया है इन्हें। और ये जो जीत है ऑस्ट्रेलिया की, ये इंडिया को बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि जो जो इन लोगों ने किया है ना सारी टीमों के साथ, आपके सामने था कि कौन क्या खेल रहा था, उसमें से क्या वो कर रहे थे, जो और नहीं होता था वो और दे देते थे, जो काम सही था वो गलत बता रहे थे, बस यही इसी सिस्टम को लेके वो चल रहे थे, चल भी रहे थे, तो क्या हुआ एंड पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वो ना बिके ना उन्होंने कुछ किया, आराम से उन्होंने अपना वर्ल्ड कप विन किया और लेके जा रहे हैं। और ये इंडिया वाले जो हैं हाथ मलते रह गए, क्योंकि इन्हें पता था कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे तो सारी टीमें जो बैठ जाएंगी,
लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया था भाई, नहीं आराम से बैठा उन्होंने, 240 पे ऑल आउट कर दिया। और बाकी उन्होंने आपके सामने आके पहले ही, अभी वो 10 ओवर के 12 ओवर पड़े हुए थे, उन्होंने आराम से मैच जीत लिए। चलो जी इंडिया वालों बहुत बहुत मुबारक हो आपको वर्ल्ड कप हारने की, बेईमानियां कर करके आपने यहाँ तक पहुँचे थे आप, और सब कुछ किया।